घटनावाद से हार गया समाजवाद, तुष्टिकरण भारी, क्या इसलिए बिछड़े सभी बारी बारी, तुष्टिकरण और जिन्नावाद की होड़, परिवार में भाग दौड़। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज की बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी के खिलाफ यूपी को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रहे अखिलेश यादव परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे। आज परिवार में एक और बड़ी टूट हो गई है। बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव साइकिल से उतरकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने, लेकिन आज की खबर यह है, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार एक और साढ़ू प्रमोद कुमार गुप्ता भी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहू अपर्णा यादव, समधी मुलायम सिंह यादव के हरिओम यादव, और अब साढ़ू प्रमोद कुमार गुप्ता अखिलेश के मौसाजी, वो भी अब समाजवादी परिवार बीजेपी के द्वार। प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या आरोप लगाया वो सुनिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंधक बनाया हुआ है। प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने बंधक बनाया हुआ है और समाजवादी पार्टी अब समाजवादियों की रही नहीं है, जिन्नावादियों, माफियावादियों और दंगावादियों और अपराधियों की ये पार्टी हो गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी में ऐसे लोगों को चुन चुन कर टिकट दिया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने, किनको टिकट दिया जा रहा है जो समाज के दुश्मन है। अखिलेश यादव के मौसा प्रमोद गुप्ता ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव नफरत की राजनीति करते हैं। अखिलेश परिवार में टूट के बाद बीजेपी ने भी सवाल पूछा कि जो परिवार का नहीं हुआ वो प्रदेश का कैसे होगा। सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था ना, आज उनकी बहू का समर्थन ना कांग्रेस को, ना मौलाना को, ना समाजवादी पार्टी को। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव की तरह तौकीर रजा की बहू निदा खान का भरोसा भी बीजेपी पर है। निदा खान तौकीर रजा की बहू, उनके लिए भी योगी ही उपयोगी। और यही बीजेपी बार बार कह रही है कि बहू बेटियां बीजेपी के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य गए, बेटी हमारे साथ, बेटियों के लिए बीजेपी ही सुरक्षित। अब तौकीर रजा खान कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनकी बहू वो कह रही है कि मुझे योगी जी पर भरोसा है। अपर्णा यादव सारे छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं, लेकिन परिवार में बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव, वो बीजेपी के साथ आ चुकी हैं। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ निदा खान जी जुड़ गई हैं। निदा खान जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, तौकीर रजा की बहू हैं, वो मेरे साथ है। जीवीएल नरसिम्हा मेरे साथ हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। साधना भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साधना जी, आपका स्वागत। एमएच खान बीएसपी का पक्ष रखेंगे, सीनियर लीडर हैं मायावती की पार्टी के, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं निदा जी आपसे शुरू कर रहा हूं। आपका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, आप कह रही हैं आप योगी जी के साथ हैं, लेकिन आपके ससुर तौकीर रजा वो तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन क्यों तौकीर रजा खान जी का आपके ससुर? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। वो घर में बैलेंस पता नहीं, लेकिन निदा जी वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट का ही आए, वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सारी धमकियां, गृह युद्ध, सर छुपाने की जगह नहीं, गली गली में खून बहेगा, तो वो तो इस तरह की धमकी भी दे रहे हैं, तो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उस पर कभी परिवार में बात हुई क्या, मतलब उस पर आपकी क्या राय है? आप तो परिवार का हिस्सा हैं उनके, निदा जी। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं तो वो मतलब एक दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए तो उनके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा, ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई दाखिल मतलब कोई शामिल ना हो, मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते, इतनी तुच्छी सोच रख सकते कि उस पे फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है। नहीं तो मतलब आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है, तौकीर रजा तो आपके ससुर है उन पर नहीं, तो क्या आपको भी योगी जी पर भरोसा है क्या फिर?
निदा खान मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए, मतलब इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ था उस टाइम जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई एकदम से सारी सूरत बदल गई। जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ हुआ हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और भाजपा सरकार में उन सब चीजों पे मुकदमे दर्ज हुए जो कि समाजवादी के टाइम नहीं हुए। नहीं, आप कह रही हैं निदा जी, बस एक आखिरी सवाल है, लेकिन आप डिबेट में रहिएगा क्योंकि मैं चाहूंगा डिबेट में आपको भी, अगर आप रह पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप डिबेट में रह पाए, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ निदा जी। आप कह रही हैं योगी उपयोगी, ये आपके शब्द है शायद, अभी आपने बोला आप एक मुस्लिम महिला हैं और आप कह रही हैं योगी उपयोगी, लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों को डराया जाता है कि योगी आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों का क्या होगा, और आप एक मुस्लिम महिला आप कह रहे हैं योगी उपयोगी, उन्हें तो मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी, योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं, आप कह रही हैं योगी उपयोगी। निदा जी आखिरी सवाल है बस। डराने वाले भी तो यही है और मुझे लगता है जितनी मुस्लिम महिलाओं को मैं जानती हूँ, आज से 5-6 साल हो गए इसी चीज पे काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं काफी ज्यादा प्रेरित है भाजपा सरकार से, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है और एक तरीके से जो हमारे काम होते थे वो होते हैं, अब एक्चुअल में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती जो पहले होती थी और कहीं ना कहीं वो सेफ महसूस करती है। अच्छा, ये चुनावों में इस बार देखा जा रहा है कि बहुएं जो हैं वो बीजेपी में आ रही है, मतलब अपर्णा यादव आप भी बीजेपी से प्रभावित हैं, बेटियां स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी, तो मतलब बहू आ रही हैं, बहुमत भी आएगा क्या, बहुएं लाएंगी बहुमत, मतलब ये तो, और बहुमत बीजेपी के पास है क्या, बहुओं का मत कम से कम बीजेपी के पास है क्या? आप मुझको, साधना जी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले जीवीएल आप अगर बोले इसमें, मतलब क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई में पहले ये चल रहा था सारे आपको छोड़कर जा रहे थे, मतलब एक एक करके स्वामी सैनी दारा सिंह सारे विधायक 14-2 दर्जन विधायक सब आपको छोड़कर जा रहे, लेकिन घर की बेटियां और बहुएं सारी आपके साथ आ रही हैं। देखिए आपका जो शब्द का जो खेल है ये बहू और बहुमत, ये केवल बहुओं का मत, बहु बेटियों के आने के कारण नहीं, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के समर्थन और जो प्रशासन जो सुशासन चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनका सुशासन का पिछले 5 साल में अनुभव हुआ है। और जो बहन निदा खान की जो अभी बात कर रही थी आपके साथ, ये ऐसे मैं मानता हूँ ऐसे ऐसे लाखों लाखों मुस्लिम बेटियां हैं जिनको जिनका 3 तलाक के कानून आने के बाद इस प्रकार के घटनाएं, क्या आपने सुना है, मैं पहले अक्सर हर दिन हर दूसरे दिन पेपर में खबर छपती थी कि किसी मुस्लिम बहन के साथ इस प्रकार का उनका पति का दुर्व्यवहार रहा है, SMS के जरिए उनको तलाक दिया गया, कभी उनको रोटी जलने के कारण तलाक दिया गया, कभी ऐसे ऐसे बहुत बहाने बनाकर जो करते थे। आज मुस्लिम बेटियां सुरक्षित है, तो इसलिए मैं मानता हूं ये कुछ लोग बाहर निकलकर अपने आवाज को बुलंद कर सकते हैं, मैं उनकी हिम्मत को दान देता हूं, पर लेकिन ऐसे लाखों महिला है, मुस्लिम महिला है जो आशीर्वाद दे रहे हैं मोदी जी को, योगी जी को और हमारे पार्टी को, क्योंकि हमने ऐसे ऐतिहासिक जो संभव नहीं था इस देश में, जो तथाकथित जो सेक्युलर पार्टियां हैं इनके लिए वोट बैंक राजनीति के लिए कट्टरपंथियों के सोच को आगे बढ़ाना ही इनका काम था। आम जनता का, मुस्लिम मतदाताओं का, मुस्लिम जनता का, मुस्लिम महिलाओं का आप पुकार उन तक नहीं जा रही थी,
और शाबानो केस में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस सरकारों ने, देश की जनता वाकिफ है। तो इसलिए मोदी जी और योगी जी को धर्म के आधार पर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बेटी बेटियों का समर्थन प्राप्त है। और जिस प्रकार का सुरक्षा का माहौल है पिछले 5 साल में, 5 साल पहले एक हमारे मित्र कह रहे थे अभी हाल में कि 5 साल पहले जब बेटियां बाहर जाती थी रात के समय पे, आप लोग भी तो परिवार के भागियों के भरोसे हैं। मतलब परसेप्शन की लड़ाई में हो सकता है आप आगे निकल जाए, परसेप्शन की लड़ाई में कि उनके साथ परिवार नहीं है, लेकिन ये लोग ये जमीन पर थोड़ी ना, वो वोट बैंक, वो ग्राउंड पर, वो अपर्णा यादव आएंगी, उनको वहां नहीं टिकट मिली समाजवादी पार्टी से, अतुल भाई मेरे साथ है, वो कह रहे हैं उनको वहां नहीं टिकट मिल रही थी तो आ गई। अब ये जो है निधा जी हमारे साथ है, ये है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, उनके पिताजी चले गए, तो ग्राउंड पर फायदा होगा, मतलब बहुएं आएंगी, बहुमत लाएंगी, क्या वोट बैंक साथ आएगा क्या, वो तो नहीं आता दिख रहा। साधना जी आ रहा हूं बस 30 सेकंड में, साधना जी। देश की राजनीति, देश की राजनीति, देश का मिजाज बदल चुका है, हमको ये सबको समझना होगा। ये पुराने तौर तरीकों से राजनीति नहीं चल सकती है। 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नया युग का आरंभ हुआ है, और जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो तय करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कौन इस देश को और उत्तर प्रदेश को उनका शासन चलाएंगे, कौन प्रमुख और मुख्य सेवक, प्रधान सेवक देश के बनेंगे, मुख्य सेवक बनेंगे, ये जनता तय करती है। ये साइलेंट मेजॉरिटी अपने 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 आवाज को वोटों के रूप में प्रदेश के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मुझे साधना जी थोड़ा मुस्कुरा रही हैं, सरकार को बहुत बड़ी बहुमत मिलने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से साधना जी हैं, साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो मुस्कुरा रही थी जब आप कुछ कह रहे थे। साधना जी आप कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि तौकीर का तो समर्थन आपने लिया, तौकीर जी की बहू के बयान का भी आप समर्थन करती हैं कि मुस्लिम महिलाएं योगी जी के साथ। साधना जी देखिए, जी देखिए, मैं मानती हूँ कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्मपत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है, और महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। लेकिन ये याद रखिएगा, यदि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो सीता माता का हरण ना हो पाता, और रावण राज में हजारों राक्षसों के बीच सीता माता सुरक्षित रही। मगर यहाँ मोदी और योगी राज में सीता माता की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब निधा खान जी की बात उन्होंने कही, लेकिन एक तरफ लालजी टंडन जी की पौत्र वधु दहेज की वजह से तंग है, वो कह रही है कि उन्हें तंग किया जा रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रही है, वीडियो बेचारी वो जारी कर रही है बार बार बनाकर, तो मुझे लगता है उनकी भी FIR दर्ज होनी चाहिए। और ये कह रहे थे बड़ा महिलाओं का सम्मान करते हैं, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि झूठ जिस तरह बिना रुके बेझिझक आंख में आग डालकर भाजपा के प्रवक्ता बोल देते हैं, तो वो जुमलेबाजी के लिए मैं हंस रही थी। देखिए सबसे पहली बात मैं कहूंगी, दयाशंकर सिंह जी जिन्होंने मायावती जी के लिए अपशब्द बोल दे, उन्हें उपहार के रूप में उनकी पत्नी स्वाति सिंह जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। अब वो बात अलग है, जो स्वाति सिंह जी कल तक अपने पति के अपशब्दों के लिए खड़े होकर लड़ रही थी, वो अब टिकट के लिए अपने पति से ही लड़ रही है। दूसरी बात बताना चाहती हूँ, कहा कि अब बंद हो गया है महिलाओं के लिए, देखिए अब कितना हमने वो कर दिया। मायाराम लोधी जिनकी बहू BDC सदस्य बनी, उन्होंने भाजपा को वोट देने से इनकार कर दिया, तो भाजपा के गुंडे रात में 2 बजे जाते हैं उनके घर और उनके जेठ को मार मार कर जान से मार दिया जाता है, धाराएं कम कर दी जाती हैं, बेटा विकलांग है, कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी की पेशकश नहीं, कोई दया नहीं, किसी भी तरह की निंदा नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक के बाद एक केस होते हैं, उसके बाद हाथरस का रेपकांड, आधी रात में शव जला दिया जाता है DM के सामने, ये कह दिया जाता है ADG लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा रेप ही नहीं हुआ, और उसके बाद उन्नाव पीड़िता कुलदीप सेंगर के लिए 7 महीने तक FIR दर्ज नहीं हुई, और उन्नाव पीड़िता की माँ को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपकी सारी चीजें बात सही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि फिर महिला के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है? नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं, मैंने तो कहा है ना कि तुलनात्मक विश्लेषण नहीं होना चाहिए इन महिलाओं के प्रति घटनाओं का, लेकिन क्या अगर शव जला दिया जाएगा? नहीं नहीं, आधी आधी रात को अगर शव जला दिया जाएगा तो उस पर बात भी ना की जाए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन अगर राजस्थान लेकिन साधना जी, अगर मैंने गलत सवाल गलत है तो बताइए ना, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में फिर राजस्थान नंबर 1 क्यों है? आपकी सरकार है, लड़कियों लड़ सकती हूँ, बेटियां सुरक्षित हैं, तो राजस्थान में सुरक्षित क्यों नहीं है फिर? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, मेरी निधा खान जी क्या सीता माता की बेटी नहीं है? अपर्णा यादव क्या सीता माता की बेटी नहीं है?
अरे बिल्कुल है भैया, तो, मैं तो कहती हूँ बना दो अपर्णा यादव जी को सीएम का चेहरा, बनाएंगे तो फिर मैं वो भाजपा तो से, फिर ये भी तो सीता माता की बेटी है, निदा खान भी सीता माता की सब है ना, तो फिर तौकीर का समर्थन है उनकी, उनकी बहू के बयान का भी समर्थन नहीं है फिर? मैं तो कह रही हूँ ना कि अपर्णा यादव जी, रीता बहुगुणा जोशी जी, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी बनाएंगे सीएम का चेहरा, तो बता दे किसी पिछड़े वर्ग की महिला को बनाएंगे सीएम का चेहरा, बता दे। इन्होंने तो पिछड़े और दलितों के नाम पर केवल वोट के लिए मलाई खाने का काम किया और उनके चेहरों को रखकर कठपुतली बनाने का माध्यम इस्तेमाल किया, कठपुतली बनाया। सुश्री उमा भारती जी छोड़कर भाग गई थी इनकी पार्टी, उसके बाद कल्याण सिंह जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, क्या किसी पिछड़े को पूरे 5 साल तक रहने दिया मुख्यमंत्री, तो मुझे बता दीजिए। और कह दिया था कल्याण सिंह जी ने, गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्द खाक कर दूंगा, और कर भी करके भी दिखाया। तो ये तो क्या है, अगड़े की, पिछड़े की, हिंदू की, मुसलमान की नैया में पांव रख के और चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल अब बैठे आदरणीय, बता दे ना कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, बड़ा आपने बोला, बड़ा गुरूर के साथ, बड़ा आपने बता दिया, खुददारी के साथ आप महिलाओं की बात करते हैं, तो ये बता दीजिए ना, तो इसका मतलब अब आप संजय निषाद जी से ठगबंधन तोड़ देंगे? उन्होंने तो माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठा दिया था ना, पूरा निषाद समाज आज भी नाराज है क्योंकि उन्होंने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, तो आप ठगबंधन तोड़ रहे हैं, मतलब ये मान लिया जाए इसका मतलब? और अगर नहीं तोड़ रहे हैं तो फिर अपने आप को राम भक्त कहना, महिला का हितैषी कहना, दलितों का हितैषी कहना, पिछड़ों का हितैषी कहना बंद कीजिए, ये दुकानें चलाना बंद कीजिए दलितों और पिछड़ों के नाम पर और महिलाओं के नाम पर, ये सब दुकानें। कि माता कौशल्या पर टिप्पणी आपको बुरी लगी, आपको तब नहीं बुरा लगा जब प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे? आप बार बार बोलते हैं मैं, जब आप भी बार बार कौशल्या माता की टिप्पणी का जिक्र करेंगी तो मैं सवाल पूछूंगा ना, मैं नहीं भूलूंगा ना, जब प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए थे, प्रभु राम काल्पनिक है, प्रभु राम को टेंट में रखने की साजिश हुई थी, 16 साल उनको टेंट में रखा गया था, तो ये सारे सवाल है ना, क्योंकि आपको बुरा लगेगा तो सिलेक्टिव लगेगा, किसी एक के बयान का दूसरे के बयान का नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा डिबेट में प्रभु राम का जिक्र करती है, मुझे लगता है आप सबसे बड़ी राम भक्त हैं, आपको तब नहीं बुरा लगता जब राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था, आपको तब नहीं बुरा लगा था जब पूछा गया था कि 40 कमरे थे, कहां पैदा हुए थे प्रभु राम बताओ, तब नहीं बुरा लगा था जब राम मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू हैं, इसलिए साधना, चलिए ठीक है, राम राम के नाम पर जब चंदा चंपत घोटाला होता है ना, मिनटों में लाखों की जमीनें करोड़ों में बेच दी खरीद ली जाती है ट्रस्ट के माध्यम, बड़ा बुरा लगता है। अच्छा ठीक है, आप जीवीएल बोल लेते हैं, आपने बहुत देर बोला, मेरे ख्याल से उसके बाद अतुल जी के पास जाना है और एमएच खान भी वेट कर रहे हैं, जीवीएल आप जवाब दे दीजिए पहले, उसके बाद में अतुल जी आपके पास आऊंगा और फिर एमएच खान बीएसपी से। जी जीवीएल अमन जी, ज्यादा शोर करने से कोई बड़ा पार्टी नहीं बन सकती है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या अस्तित्व है, कांग्रेस का क्या कांग्रेस की क्या स्थिति है, हर प्रदेश की जनता जानते हैं। और बीच में नहीं बोला आप जब बोल रही थी, मैंने बीच में बहुत शांत से आपकी बात को, ये संस्कार नहीं, जीवीएल ठीक है, तो यदि आपको, आप महिलाओं के अधिकारों की लेकर आप इतने ही गंभीर हैं, जो मैं मानता हूं आप गंभीर है, आप गलत पार्टी में हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके पार्टी में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है, आपके पार्टी के कार्यालय में भी महिला सुरक्षित नहीं है, खुद आपके नेता राहुल गांधी जी के वर्क जो जो करीबी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं, और जहां तक आपकी आपने उनकी पार्टी पर सवाल उठाए थे ना, आप गलत पार्टी में हैं, सवाल उठाए थे, आप बीच में बोलेंगी तो थोड़ी ना, बीच में बोलने से आपकी बात सही हो जाएगी, जनता तय करेगी कौन सही कौन गलत, बात खत्म, बोलने दीजिए उनको, ये तो मुझसे पूछ रहे हैं तो जवाब तो दे दूंगा, पूछेंगे जब मैं आऊंगा ना तब आप बोलिएगा ना साधना जी, आपने भी तो बोला बीजेपी, जब मेरी बात खत्म होगी तब बोलिए, बात खत्म करिए, ऑडियो बंद है सबका, क्योंकि मुझे अमेज खान के पास जाना है और अतुल जी के पास जाना है। जी वीएल तो देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और नेत्री, उनकी अध्यक्षा महिला है सोनिया गांधी जी है, और उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा आज उनके पार्टी के कमाल संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो जब केवल राजनीति करते हैं महिलाओं के सुरक्षा के नाम पर, जब कोई दुर्घटना घटती है जिसका हम घोर निंदा करते हैं, हर एक घटना पर, दुर्घटना हो या कोई गलत घटना हो, उस पर हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये राजस्थान में जाकर एक बयान नहीं देते हैं,
कोई कार्रवाई करने के लिए कम से कम उनके नेता और मुख्यमंत्री को कभी उनको कभी नसीहत नहीं देते हैं। तो ये राजनीति कांग्रेस पार्टी यानी आज देश की जनता जान चुकी है और केवल मौका परस्त राजनीति करती है। न इनका कोई उसूल है, न कोई नीति है, महिलाओं के प्रति कोई सम्मान है, न ही कोई दलित पिछड़े के प्रति कोई वेदना है, संवेदना है। तो कांग्रेस पार्टी केवल ऐसे टेलीविजन में आकर के शोर शराबा करके अपने गाली गलौज करके बीजेपी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कोई गलत घटना घटती है हम इसके लिए इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हम किसी को संरक्षण नहीं देते हैं। लेकिन आपके नेता कई लोग ऐसे ऐसे गलत कांड में एक्यूज्ड है। अब देखिए कोई तंदूरी कांड में आपके नेता पकड़े जाते हैं, कोई नेता अपने पत्नी के मृत्यु के संदिग्ध मृत्यु के कारण वो खटकरे में रहते हैं। आपके नेताओं के ऊपर राहुल गांधी पर खुद सवाल उठाए गए हैं। चलिए हम यूपी पर आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल उठाए गए हैं, यूपी पे आ जाते हैं। अतुल जी के पास मैं जा रहा हूं क्योंकि एमएस खान भी वेट कर रहे हैं। केवल और केवल आरोप लगाकर निकलना चाहते हैं। ठीक है अतुल जी, पहले अपर्णा जी पर बात हो रही थी आपसे, फिर उसके बाद हरिओम जी पर बात हो रही थी। आज एक परिवार के एक और सदस्य हैं साढ़ू जी, वो भी छोड़कर चले गए प्रमोद जी। ये क्या हो रहा है, ये परिवार में भगदड़ क्यों है? और वो कह रहे हैं कि ये वाली समाजवादी पार्टी नहीं रही है, अब जिन्नावाद भारी हो गया इसलिए समाजवाद खत्म होता जा रहा है, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं। अतुल जी, अमन जी, जी। देखिए आपने बात करी अपर्णा जी की, प्रमोद गुप्ता जी की, हरिओम यादव जी की, जी तीनों लोग बहुत मजबूत हैं। तो भाजपा जो है इन्हीं तीन मजबूत चेहरों के सामने जो है तीन सीटें जीत लेगी। तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि तीन सीटें जीत लेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो 400 सीट लेकर के पताका फहराने जा रही है 10 मार्च को। यदि आपको लगता है कि भाजपा इन तीन महारथियों के आगे चुनाव जीत लेगी, इतने ही मजबूत चेहरे हैं, बाकी के भाजपा के पास कोई नेता ही नहीं बचा। आप कह रहे हैं सारे पिछड़े भी नहीं है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि बार बार फोकस आपका जो सरप्राइज़ है वो समझ आ रहा है, मतलब ये तीनों ये सलायक भी नहीं है? नहीं मैं तो सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी बात, यदि बार बार फोकस्ड करा जा रहा है अपर्णा यादव पे, प्रमोद गुप्ता पे, हरिओम यादव जी पे, तो ये तीन चेहरे हैं जिसको आगे करके भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहती है, जीत ले। ये हम तो कह रहे तीन जा रहे हैं सारे, कई मैंने कल भी पूछा था, परिवार ही साथ नहीं हो जब लड़ाई में, आज एक और सदस्य, तो ये छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आत्ममंथन का विषय नहीं है आपके लिए? ये लोग किसी लायक नहीं है? अब आप ये कह रहे हैं कि इनसे तीन सीटें निकलने वाली, इनसे जीत ले, तीन जीतनी है बीजेपी ने? अब आप जो भी आरोप लगा रहे हैं इन तीनों पर, लेकिन ये कह क्या रहे हैं और ये इनके आरोप आपके लिए मायने नहीं रखते हैं? परिवार वाले छोड़कर जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? इन्हें देखिए, इन्हें ये आरोप लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। आज भी अपर्णा यादव जी जो है मुलायम सिंह नेताजी के साथ ही रहती हैं, तो जिस तरीके का ये आरोप लगा रहे हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए, किस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं। अपर्णा यादव को शर्म आनी चाहिए आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं आज नहीं, ये आरोप प्रमोद गुप्ता ने लगाया। हाँ, प्रमोद गुप्ता को शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन्हें लोगों को शर्म आनी चाहिए ना। क्या आप बताइए, आज भी अपर्णा यादव ये लोग ये कह रहे हैं कि अब समाजवाद जो है ना, सुनिए अतुल भाई, उनका ये कहना है, प्रमोद जी को अगर आपने सुना हो, उनका ये कहना है कि जिन्नावाद समाजवाद पर भारी पड़ गया है, दंगाइयों को, गैंगस्टर्स को, हत्यारों को और ऐसे लोगों माफियाओं को टिकट दी जा रही है, वो असल समाजवाद रहा ही नहीं है, जो मुलायम वाला समाजवाद था, अखिलेश का समाजवाद हावी हो गया मुलायम के समाजवाद पर, पिता को बंधक बनाया हुआ है। प्रमोद जी खुलासा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंधक बनाया हुआ है। अमन जी मैंने तो उसका जवाब दे दिया कि इस तरीके का आरोप लगाने में प्रमोद गुप्ता को शर्म भी नहीं आती कि वो कह क्या रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, बार बार मैं क्या रिपीट करूं कि अपर्णा यादव जी आज भी नेताजी के साथ रह रही है लखनऊ वाले निवास में। तो ये आरोप लगाना कितना इनको शर्म आनी चाहिए इस तरीके का आरोप लगाने में, एक बात। दूसरी बात, इससे ऊपर चलते हैं, जो आपने बात करी कि समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों को टिकट दे रही है, आप बताइए भाजपा ने अब तक जितनी सूची जारी करी, क्या 40% से ज्यादा उसमें जो गंभीर धाराओं में जिसमें मुकदमे दर्ज हैं टिकट देने का काम कर रहा है? नाम बताइए, नाम बताइए। योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा नाम, योगी आदित्यनाथ तो सीएम है, उनको तो जनता ने चुनकर भेजा है। आप मुझे नाम बताइए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो नई लिस्ट आई है उसमें कौन है? मैं आपको नाम बताऊंगा, आप मुझे नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, मोहरम अली, पप्पू, नाहिद हसन, मैं आपको अभी शायद 6 से 7 नाम बता सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, सुरेश राणा, संगीत सोम, कुंवर भारतेंदु सिंह, कपिल देव अग्रवाल, ना जाने कितने ऐसे नाम है जो भाजपा जिनके ऊपर आपराधिक मामलों में गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं।
तो 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें भाजपा ने टिकट देने का काम करा। एम एच खान, उससे पहले जीवीएल आप बोल लीजिए, उसके बाद एम एच खान, या आप पर आरोप है एम एच खान, जीवीएल 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 उन पर आरोप लगाते हैं। मेरी बात, आपका घर भी शीशे का है। जीवीएल, अमन जी नाम बता दिए उन्होंने, नहीं नहीं, जो नाम वो गिना रहे हैं, योगी जी के नाम लेने के साहस कर रहे हैं। हाँ। योगी जी का नाम हो या बाकी हमारे विधायक हो, संगीत सोम या मंत्री हो, उनके ऊपर जो जिनके ऊपर राजनीतिक तौर राजनीतिक बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई हो आपकी सरकारों के दौरान में, या हमने जो राजनीतिक लड़ाई जो लड़ी है, सुन लीजिए ना, अच्छा राजनीतिक लड़ाई जो लड़े हैं उसके खिलाफ जो केस, वो के कोई केस है क्या? राजनीतिक लड़ाई जो लड़कर जिनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, क्यों उसको आप कोई गंभीर उसको क्रिमिनल केस मानते हैं? पुलिस आपके हाथों, हमने एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथों में, कार्यवाही हम करेंगे। अरे यदि हमें कार्यवाही करनी होती ना तो कर चुके थे जो आप। नहीं नहीं, जनता ने हम पर विश्वास किया है आपके झूठे आरोपों को, क्योंकि आपने गुंडागर्दी, आपने गुंडा राज चलाया है प्रदेश में। आतरस की बेटी को रात में जिंदा जला क्या, क्या कार्रवाई? आप गुंडा राज चलाने वाले पार्टी हैं, आप कौन सी नसीहत दे रहे हैं हमें? आप कौन सी नसीहत दे रहे हमें? आप कौन सा सर्टिफिकेट हमें बांट रहे हैं? आप गुंडा राज करने वाले पार्टी है, आपका आपका पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, आप गुंडा राज करने वाली पार्टी है, उसका जवाब दीजिए। क्या आपके पार्टी को, आपके पार्टी पर गुंडा राज का धब्बा लगा नहीं लगा बताइए? कार्यशैली आपने पिछले 5 साल में करी है, एनसीआरबी का डाटा कहता है। देखिए आपके नेताओं के खिलाफ लेकिन आपके पार्टी पर जो आरोप लगता है, गुंडा राज करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है, और माफिया को समर्थन देने वाली पार्टी है, परिवार के लोग कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रहे हैं, बीजेपी नहीं कह रहे हैं, ये तो परिवार के लोग कह रहे हैं। अतुल भाई, अब हम अतुल भाई, ये आरोप जीवीएल का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, आपके परिवार के लोग कह रहे हैं। एम एच खान, परिवार टूटता है क्या? वोट भी टूटेंगे, मतलब ऐसा होता है क्या? ये लोग जब टूटते हैं तो इनके साथ कोई वोट बैंक भी आता है क्या? क्या परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी ने बाजी मारी क्या? एम एच खान आप बोलिए, अतुल भाई एक मिनट, एम एच खान देखिए अमन जी, ये विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की क्या है और समाजवादी पार्टी के मुखिया उनके परिवार की क्या है? एक ही विचारधारा है, दंगाइयों की विचारधारा, हिंदू मुस्लिम करने वाली विचारधारा। जितने भारतीय जनता पार्टी से लोग आए वो समाजवादी पार्टी में गए, और जितने इनके परिवार के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में गए। तो ये विचारधारा एक वाले लोग हैं, एक विचारधारा के चलने वाले लोग। इनको ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, लड़ाने से मतलब खाली है, जिनको जिनको चाहो लड़ाओ। देखिए अभी कह रहे थे नृसिंह राव जी की बड़ा कानून व्यवस्था, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप बताइए ना, बेबी रानी मौर्य क्या कहा, इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बेबी रानी मौर्य ने कहा कि 5 बजे के बाद लड़कियां औरतें और 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बंद करना। क्या ये कानून व्यवस्था सही है? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। आप हाथरस कांड में देखिए, कहा गया कि इसके साथ रेप नहीं हुआ, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि नहीं, रेप नहीं हुआ। आज तक उस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं हटाया गया। इसका मतलब सरकार का साथ एडीजी लाडर का था कि हाँ तुम ये कहो, हम तुम्हारे साथ, तुम्हारा कुछ नहीं बात हुआ। अगर आप कार्रवाई कर देते तो एक मैसेज तो जाता है कम से कम, लेकिन मैसेज भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे वहां किसी को संरक्षण दिया जाता है, ट्रेनी के कुछ कौन संरक्षण दे रहा है? हाल जीप से चढ़ाया किसानों को, वो कह रहे थे कि हम और मेरा बेटा साथ साथ थे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद FIR दर्ज हुई है, कहां संरक्षण नहीं दे रहे हैं? आप कुलदीप सेंगर की बात ले लीजिए, 4 साल के बाद जब उस पर कोर्ट ने उसको सजा दे दिया तब आपने उसको पार्टी से निकाला, तब तक पार्टी में रखे थे आप एक नाम गिराएंगे 25 नाम आएंगे। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूं, एक सवाल है आपसे, आपने बोला दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन 2017 के पहले और 2017 के बाद बेटियां कब ज्यादा सुरक्षित रही, ईमानदारी से बताइएगा? 2017 से पहले सुरक्षित थी या 2017 के बाद सुरक्षित थी? दोनों में सुरक्षित नहीं थी, 2007 में सुरक्षित थी। ज्यादा कब सुरक्षित थी? 2007 अच्छा 2007 के बाद से बेटियां असुरक्षित, दोनों एक जैसे, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी, एक सिक्के को दोनों पहलू। चलिए ठीक है, ज्यादा सुरक्षित कब आपके हिसाब से, 17 के बाद या 17 से पहले? दोनों एक तरह की है,
एक 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 दंगा भड़काने वाली है, गुंडों की पार्टी है, दोनों एक तरह की पार्टी है। नहीं, लेकिन अगर ज्यादा नंबर देने होंगे तो किसको देंगे, 17 से पहले 17 के बाद, बेटियों के सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में? 17 के बाद वाले भी और 12 के बाद वाले, कोई हालात में नहीं, कोई फर्क नहीं आया? आप ये कह रहे हैं जैसे 17 से पहले बेटियां सुरक्षित थी, 17 के बाद अभी भी वैसे ही हालात है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, आपको उदाहरण देकर मैंने बताया। आप देखिए भाभा मऊ में क्या हुआ, भाभा मऊ में नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया और परिवार के पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट के फेंक दिया गया, एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया, और जो इसने कुल्हाड़ी से काट के फेंका उसमें बुलडोजर नहीं चला। यूपी की बेटी है निदा खान जी, जो कह रही है योगी, जो निदा खान जी है यूपी की बेटी है, तौकीर रजा की बहू, ये भी तो यूपी की बेटी है, ये तो कह रही है योगी उपयोगी, ये कह रही है सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में हालात योगी राज में। निदा खान की बात को मैं मानता हूँ कि हाँ उनका पर्सनल मामला है, और जो तौकीर रजा ने बात कही है वो जायज नहीं कही। नहीं, पर्सनली वो कह रही है योगी उपयोगी, योगी राज में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है वो, मुस्लिम महिला करती होंगी, उनका पर्सनल हो सकता है, लेकिन कोई नेता नहीं है वो, तो घरेलू महिला है कह रही है, तो हो सकता है उनका, फिर उनकी राय ज्यादा ईमानदार होगी ना, वो राजनेता नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि ज्यादा सुरक्षित नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मतलब आपने ये कहा ना खान साहब, आपने कहा ना कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो निदा खान भी तो बेटी है यूपी की, वो कह रही है कि मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ, और क्योंकि मुस्लिम विरोधी बताया जाता ना योगी आदित्यनाथ जी को, ससुर में बहू में झगड़े लड़ाई की बात क्यों ला रहे हैं? अच्छा, ये निदा खान की लड़ाई झगड़ा उनका ससुर से है, वो बेटी सुरक्षित, अगर वहाँ वो समाजवादी पार्टी में थे, अगर समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, उसमें अगर वो कुछ ना कार्रवाई करा पाई है, तो यहाँ कार्रवाई हुई होगी, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अमन भाई नहीं, ठीक है, जीवेल उसके बाद साधना जी आ रहा हूँ, जीवेल 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 जनरल हत्याएं होती रही, इस पे आइए आप ना। जी जीवेल 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 फिर साधना जी आ रहा हूँ। अमन जी, हाँ नहीं, हाँ खान नहीं, खान साहब जो कह रहे हैं कि सपा भाजपा हम दोनों से दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, फिर ऐसे गुंडों की पार्टी से, ऐसे महिलाओं को सम्मान नहीं देने वाली पार्टी से आपने समझौता किस कारण किया है 2019 में? आपने गठबंधन तब आपको बहुत अच्छी लग रही थी सपा, जब 93 में आप सरकार साथ मिलकर सरकार बनाए, फिर बिखर गए, फिर 2019 में दोनों साथ साथ आए, तब आपको कोई खामियां न दिखी, आप और सपा में, आप दोनों सपा और बसपा दोनों ने उत्तर प्रदेश का पूरा विनाश किया है, इसलिए जनता भाजपा को चुनती है। आप दोनों, आप और सपा, सपा और बसपा एक ही सिक्के की विनाश की दो पहलू है, सपा और बसपा विनाश की दो पहलू है, और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संभव है उत्तर प्रदेश में, यही जनता हमसे अलग हो, विनाश के पहलू तो आप है, आप झूठ बोलते हो, 4 लाख करते हो, 70 लाख, आप और सपा, बसपा और सपा विनाश के दो पहलू है, और जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है, हम केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं। खान साहब महंगाई सर पे बैठी है, महंगाई लेके बैठे आप भी, दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, पेट्रोल का दाम डीजल का दाम आसमान छू रहा है, दाल कितनी महंगी हो गई है, चने की दाल कितनी महंगी हो गई है, जनता को, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को असली विकास देने का काम हमने किया है, मुफ्त में अनाज खराब है, अब निःशुल्क अनाज लगातार 1 साल से सरकार दे रही है, आपकी सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया है। साधना जी आ रहा हूँ, एमएच जी उनका जो सवाल था कि अगर समाजवादी पार्टी इतनी महिला विरोधी और उनके राज्य में इतना महिलाएं सुरक्षित थी, तो साथ क्यों साइकिल पर क्यों बैठा थी, साइकिल पंचर हुई क्यों, आप लोग क्यों साथ आए थे 2019? हेलो हेलो अमित खान साहब, आवाज चली गई, आवाज आ रही है? इतना महिला विरोधी थे और महिलाएं सुरक्षित थी अखिलेश राज में, तो गठबंधन क्यों किया था फिर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आवाज बंद। जी जी बोलिए खान साहब, गठबंधन क्यों किया था फिर ऐसे कथित महिला विरोधी अखिलेश यादव से? सवाल बड़ा अच्छा करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप सवाल बहुत अच्छा करते हैं। जी जी पूछिए ना, बिल्कुल बोलिए ना सर, बोलिए। आप गए थे चावल लेके आए थे, खराब निकल गया तो क्या करेंगे, पकाएंगे फिर उसको? हमने गठबंधन किया था, हमको महसूस हो गया कि ये गुंडई पार्टी है, तुरंत झड़क दिया, तो 19 के बाद महसूस हुआ था, एक को टिकट लगा नहीं, 17 तक मालूम नहीं था, 12 से 17 तक आपको मालूम नहीं था, आप कह रहे थे कि 17 से पहले बेटियां सुरक्षित थी, अब आप कह रहे 19 में पता लगा हमको ये गुंडा पार्टी है। अरे गुंडा पार्टी को आप विनोद भावे का नाम सुना? 19 के बाद
आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, जरा विनोद भाई को सुन लीजिएगा, डाकुओं को भी नो सरेंडर कराया था। नहीं मुझे आपको एक कब पता लगा ये गुंडा पार्टी है, गठबंधन के बाद पता लगा था? नहीं था, आप बताइए जरा सा था, कल्याण सिंह को एक दिन सजा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दिया था, उस पर जिक्र नहीं करेंगे? आप अपनी बात बताइए, गुंडों की पार्टी है ये, बिल्कुल सही कहा आपने, सपा गुंडों की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसकी जानकारी आपको कब मिली? सवाल करिए तो सही सवाल करिए, दाएं बाएं मत घूमिए, आज डिबेट इस पर कर रहे हैं उसी पर रहिए। नहीं उसी पर तो है सर, अभी आपने बोला गुंडा पार्टी, महिला विरोधी पार्टी, उसी पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया, क्योंकि इतना सीधा सा सिंपल सवाल था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं बता, बोल दीजिए। हाँ मैं तो सीधा सवाल पूछा है आपने, किसका समर्थक कौन है कौन नहीं है वो तो जनता तय करेगी। अभी आपने बोला गुंडा पार्टी, अखिलेश पार्टी, समाजवादी पार्टी, फिर आपने गठबंधन क्यों किया था उनके साथ? भारतीय जनता पार्टी के एंकर है आप सर, बात रखिए तो ये सवाल पूछ लूं तो मैं इनका इनकार आपसे कोई घर में भी कोई बात करने का उसको भी बीजेपी का एजेंट बता देते हैं क्या? कुमारी मायावती के शासनकाल में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी हुआ करती। खान साहब वो आपका पक्ष अच्छी बात है वो मुबारक हो, मगर मैं पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव गुंडा पार्टी, आपको कब पता लगा? गठबंधन करने से पहले नहीं पता था क्या? बोलिए आप, 10 तारीख तक बोल लीजिए आप, 10 तारीख के बाद भी नहीं बोल पाएंगे। अच्छा 10 तारीख के बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा? बैठ जाएगी ना तब नहीं बोल पाएंगे। अच्छा क्यों नहीं बोल पाएंगे? पत्रकार बात नहीं बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे? पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं जी आप, एक पक्ष क्यों लेके बैठे हैं आप? पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं? अच्छा नहीं बोल नहीं पाऊंगा मैं जब आपकी सरकार अगर आ गई। ये तो आप अभी से धमका रहे हैं एम एच खान जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बने बैठे हैं, मैं बता रहा हूं। वो तौकीर रजा हिंदुओं को धमका रहे हैं या आप मुझे धमका रहे हैं? मैंने सवाल मेरा था खान साहब, सवाल जीवीएल ने पूछा है वो सवाल को मैं आगे लेकर जा रहा था। चलिए ठीक है साधना जी ठीक है खान साहब, आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी, मैं नहीं बोल पाऊंगा 10 तारीख के बाद, देखते हैं। ठीक है सर, आपने डरा दिया, धमका दिया जितना धमकाना था। ठीक है साधना जी, मैं आदरणीय आदरणीय जीवीएल जी की कुछ बातों का जवाब दूंगी। सबसे पहले उन्हें बड़ी दिक्कत हो गई कि मैंने बड़ा चिल्ला दिया, तो ध्यान से सुनिएगा आदरणीय जीवीएल जी। जब संसद घूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और साधना भारती सहित देश की जनता और किसानों को भी चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। अब आपको इसीलिए ये चुभती है क्योंकि आप महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी हैं। अगर आप नहीं होते, आप अगर महिला हितैषी हैं तो ये बता दीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जब टिकट देने की बात उन्नाव में आई तो उन्नाव पीड़िता के पिता की हत्या का मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का दोस्त ही मिला आपको टिकट देने के लिए? जो प्रमोद जी साढ़ू जी हैं वो जो आज जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया उनसे भी बात करी, वो भी सुन लेते एक बार। मैं अपनी जी हाँ साधना जी एक मिनट। परिवार से, समाजवादी परिवार से एक एक करके तमाम लोग जो हैं, कई लोग, अपर्णा यादव, हरिओम जी समधी मुलायम सिंह यादव के, और अब एक और मुलायम परिवार के एक अहम सदस्य जो हैं वो भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। मेरे साथ प्रमोद गुप्ता जी खुद अब लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी क्या हो क्या रहा है, मतलब क्योंकि अखिलेश जी सबसे बड़ी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त की और परिवार ही साथ नहीं दे रहा है उनका? नहीं, परिवार के लोगों से माननीय अखिलेश जी बात करना पसंद नहीं करते। हमारा टिकट इसलिए काट दिया गया था कि मैं मुलायम सिंह जी के बहुत निकट था, बहुत उनकी बात को मानता था, और जब से ये अध्यक्ष बने इन्होंने टिकट काटा और बात करना भी छोड़ दिया। आप छोड़ रहे हैं यहाँ से, वहां से तो 14-3 मंत्री सैनी स्वामी और दारा सिंह चौहान, 14 विधायक छोड़ के सब उधर शामिल हो रहे हैं, 2 दर्जन विधायकों ने छोड़ दिया। आपको भाई साहब मालूम होगा ये, हाँ ये जो मौर्य है ये स्वामी प्रसाद, ये अंतरराष्ट्रीय जो है इसमें क्या कही जाती है जो है ब्लैकमेलर है। तो आपकी नाराजगी टिकट ना मिलने को लेकर है या अखिलेश जी के रवैये को लेकर है? हम मानवर, मैंने मुलायम सिंह जी से टिकट नहीं मांगा, तब भी धनीराम वर्मा को जो विधानसभा अध्यक्ष थे इनको छोड़कर गए, मुलायम सिंह जी रो रहे थे बुरी तरह से, इन्होंने मुझे बुलाया, मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़वाया और जिताया और पूरा हमारा सम्मान कराया। इनका लड़का साथ छोड़ गया,
माननीय अखिलेश जी साथ छोड़ गए, प्रमोद गुप्ता, कमलेश पाठक, राम सेवक गंगापुरा, शोभा सिंह भदौरिया, इन सारे लोगों ने मुलायम सिंह कभी साथ नहीं छोड़ा मरते दम तक। मुझे प्रमोद जी अगर आप थोड़ा सा समझा पाए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा, पिता पुत्र अलग थोड़ी ना, आपने कहा कि उनको बंधक बनाया हुआ है मुलायम सिंह यादव को, मुलायम सिंह यादव को प्रताड़ित किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, ये सब क्या बता रहे थे आप, उनको बंधक बनाया हुआ है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो मुलायम सिंह जी खास लोग हैं वहाँ पर, जो सिक्योरिटी लोग हैं मुलायम सिंह के खास लोगों को उनसे नहीं मिलने देते हैं, जब तक सूची नहीं आ जाती है कि इन इन लोगों को मिलाना है, उन्हीं लोगों को उनसे मिलाया जाता है। वो खूब चाहते हैं कि हमारे पुराने लोग मिले, उनसे नहीं मिल सकते। तो फिर क्या मुलायम सिंह यादव जी खुश हैं वो कि अपर्णा यादव ने छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, हरिओम जी ने छोड़ दिया? बिल्कुल हमारे साथ हैं और रहेंगे जीवन भर, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो परिवार के लोग साथ नहीं है, मतलब आपने कहा ये क्या समाजवाद है, तो अखिलेश का समाजवाद और मुलायम का समाजवाद अलग अलग है क्या? क्योंकि ये जो नई समाजवादी पार्टी है, समाजवादी ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है रही क्या, वो समाजवाद नहीं रहा? नहीं वो समाजवादी नहीं रहा, वो समाजवाद था जनेश्वर मिश्रा जी थे, रबराय जी थे, मधुलमय थे, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, उसमें जो है बड़े बड़े नेता समाजवादी माननीय मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने में रहे, भगवती सिंह रहे हमारे लखनऊ के, बहुत से लोग ऐसे, हीरा लाल सरोजिनी नगर के अपने हीरा लाल यादव जी थे, लाखों आदमी उनको बेघर कर दिया गया, उनको अपमानित किया गया, पार्टी से निकाला गया, जो माननीय मुलायम सिंह जी के खास थे, बहुत अपमान किया गया उनका। और आज जो चाटकार हैं, जो दो दो तीन तीन सौ करोड़ के लोग हैं जो इनके आसपास, जिन्होंने घेरा बना रखा है, उनसे मिलने नहीं देते, आज ऐसे लोग अखिलेश जी के साथ हैं। अच्छा आपको टिकट नहीं दिया, आप मुलायम के आदमी थे, लेकिन नाहिद हसन जैसे, मुहर्रम अली जैसे लोगों को टिकट दी जा रही है, क्या ये भी एक वजह रही कि ऐसे लोगों को टिकट दी जा रही है? अरे नाहिद हसन, मुहर्रम अली, अरे आप देखना इतने कितने लोग ऐसे हैं जो जमीनों को कब्जाने वाले हैं, हत्याओं में वांछित हैं, हम बहुत से नाम भी बताएंगे नहीं आपको, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मर्डर किया उनको टिकट दी जा रही है, जिन्होंने लोगों की जमीनों को छीना उनको दी जा रही है, जो अच्छे लोग हैं उनको अपमानित करते हैं उनको दी जा रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं। आप देखो हरमोहन सिंह जैसा आदमी जिन्होंने पूरे जीवन मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने में लगाया, उनके परिवार का क्या हास्य है। चंद्रपाल यादव झांसी, उनका आप देखिए क्या हाल है, एक नेता बताएं, सारे नेता रो रहे बेचारे। शिवपाल जी आपके साथ हैं, शिवपाल सुना है शिवपाल जी भी नाराज हो गए, नाराज हैं वो जैसे लोगों को टिकट दी जा रही है, जो हाल है वो असल समाज। शिवपाल जी हमारे बड़े भाई है, जी जी हमारे बड़े भाई है, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो आपके साथ है अखिलेश जी के साथ। शिवपाल जी बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ हमेशा रहेंगे जीवन भर, वो आपके साथ हैं शिवपाल जी? जी वो अखिलेश जी के साथ नहीं है। अब हम लोगों की पॉलिटिकल लाइन हम लोगों को बदल गई है। अच्छा। अब आप समझ सकते हैं कि उनका 241 लोगों ने आवेदन किया था प्रसपा को, और इन्होंने बुलाकर किस तरह से उनको अपमानित किया, किस तरह एक सीट केवल बताओ, इतने बड़े हिंदुस्तान के नेता को एक सीट, अच्छा तो ये तो मजाक है, बहुत बड़ी राजनीतिक। तो फिर क्या बीजेपी सरकार आ रही है आपके हिसाब से, क्योंकि आप अब इधर आ रहे हैं तो आप तो कहेंगे कि बीजेपी सरकार आ रही है योगी जी? अरे आ नहीं रही योगी से, 300+ आएंगे अब की बार, योगी ने जो डंडा गुंडों में चलाया है, जो जेल में भेजा है, इनकी बात में बहुत दम है। आम जनता, गरीब आदमी, व्यापारी लोग पसंद करते हैं योगी जी को, जिन्होंने नंबर दो के लोगों को, ऐसे लोगों को जेल भिजवाया जो कोई साइज से काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। और अखिलेश जी से आप पूछ लीजिए, अखिलेश जी ने कहा कि कन्नौज का 1,00,000 बनिया मुझे वोट नहीं देता, टिकट किस बात के लिए? आज हिंदुस्तान में जब तक देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी मंत्रिमंडल सरकार बनी है, अखिलेश की सरकार में एक भी बनिया कैबिनेट मंत्री नहीं था, हो तो आप मुझे बताएं। मुझे बस एक आखिरी सवाल आपसे प्रमोद जी, बस ये जानना है, बस एक आखिरी सवाल, मुलायम सिंह यादव ये सब देखकर चुप हैं, वो कुछ नहीं कह रहे,
और मुलायम जी तो अखिलेश जी के साथ है ना, हमारे माननीय है उस। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं की जा सकती हैं। और अगर एक वजह मैं आपसे पूछूं कि अखिलेश जी हार रहे हैं और योगी जी जीत रहे हैं, वो एक वजह क्या होगी? एक वजह जिस वजह से आप आए और जिस वजह से आपको लगता है कि योगी जी वापस आ रहे हैं और अखिलेश हार रहे हैं, एक वजह ऐसा एक वजह है जो आम सच्चाई के साथ खड़ा है, जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति को बचा के रखा है, चोर उठाएगी लफंगों को जेल में भिजवाया है, जिसने माताओं बहनों की इज्जत को सुरक्षित रखा है, ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आज तक न हुआ न ऐसा होगा जैसा हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं जी। और इनके राज्य में मैं कहना नहीं चाहता, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जब मैं विधायक था बिदूना में, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ जिसमें 8 लोग गिरफ्तार किए गए, उन गुंडों को पुलिस ने मारा, मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन पहुंचा कि इनको तत्काल छोड़ दिया जाए, प्रमोद गुप्ता विधायक ने इनको गलत फंसा दिया है, और जब मैं दरोगा ने इनकी बात को नहीं माना, उस दरोगा का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, उसको बाहर जिले से बाहर फेंक दिया गया। तो मोदी में, योगी में और अखिलेश जी में ये अंतर है। अखिलेश यादव के यहाँ से फोन आया था बलात्कारियों को बचाने के लिए जी, बहुत जो उनके चहेते, अब उनका नाम नहीं लेंगे, आप समझ जाएं कौन चहेते, उन्होंने फोन किया था, और दरोगा आज तो उधर ऑन रिकॉर्ड है, उस दरोगा को रातों रात हटाया गया, सस्पेंड किया गया। ठीक है सर, कि साले इसको छोड़ क्यों नहीं छोड़ रहा है। ठीक है सर, और बेस्ट ऑफ लक सर ठीक आपकी अगली पारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रमोद जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।